नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी लोग आज के इस दिन का यानी 11/11 के पोर्टल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को आप इस दिन बोलना मत भूलिएगा। जिस तरह से मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप अपनी कोई भी इच्छा को इस दिन 11:11 पे, चाहे सुबह के 11:11 हो या रात के 11:11 हो, अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। 11:11, अगर आप इस नंबर को थोड़ा देखें और दूसरी दृष्टि से देखें, ऐसे नहीं कि 11:11 नंबर के रूप में, आप अपने सामने रख करके इस नंबर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं? आपको एक क्या दिखाई देता है? मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे तो दिखता है ये खुले हुए दरवाजे, यानी कि ओपन गेट्स। तो ये खुले हुए दरवाजों वाला पोर्टल है 11:11 का, जो कि आपको दे रहा है आपकी इच्छा के लिए खुले हुए दरवाजे, मतलब कि वो ऑलरेडी ओपन है। अगर आप इसको मैनिफेस्टेशन की दृष्टि से देखते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली नंबर प्रतीत होता है, नज़र आता है, दिखाई देता है। आप कुछ भी इस दिन, इस समय पर, 11:11 के दिन, 11:11 के समय पर मैनिफेस्ट करते हैं तो ये सबसे पहला नंबर होता है। नंबर क्या बताता है? ये बता रहा होता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। बस आपको सकारात्मक हो करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी दिशा है, उस ओर चलते जाना है, आगे बढ़ना है। आपकी वो चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या इस नंबर का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। 11 नवंबर को आपको 11:11 पर क्या करना है? अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को आप कहीं पर लिख लीजिए या आप इस इच्छा को अपने अपने मन में आप लगा लीजिए और बस 11:11 पर आपको ज़रा सा, सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है और अपनी इच्छा को आपको इस समय में डाल देना है। बस इतना ही करना है। इस शक्तिशाली दिन का, तारीख का आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। इस जो शक्तिशाली समय है 11:11 का, ये पूरा पूरा फ़ायदा आपको इस समय का लेना है। ये समय को आप चूक मत जाइएगा। आपको करना क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। 11:11 पर आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं, स्वच्छ हो जाना है, क्योंकि आप एकदम फ्रेश फील करें। वरना आपको थोड़ी सी, हो सकता है, नींद आए या सुस्ती फील हो, क्योंकि छोटा सा पार्ट जो है इसके अंदर वो मेडिटेशन का भी डाला हुआ है। ठीक, तो अगर आप अपने हाथ मुंह आपने धोया होगा तो 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल एक्टिव मोड पर रह पाएंगे और आसानी से इस मेडिटेशन को आप कर पाएंगे। आपको करना क्या है? आप कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि किसी भी ज़मीन पर या फ्लोर पर आप ये बैठ करके करें और उस पर कोई आसन, कोई कपड़ा, कोई चादर, दरी, कुछ भी बिछा लें वहाँ पर और आप उसके ऊपर बैठ जाएँ। ठीक, जो लोग फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो चेयर पर, सोफे पर या अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं। बस आपको बैठना है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये करते समय में जब आप बैठेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो खुले होने चाहिए और आपके घुटनों के ऊपर रखे हुए होने चाहिए। जो मुद्रा जो होती है पालथी लगाकर बैठने वाली, उसमें आपको बैठना है ताकि आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके घुटने पर रहें। ठीक, अगर आप चेयर पर बैठे हैं तब भी आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इस मुद्रा में आपको बैठ के आपको शुरू करना है 11 बार डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस आपको अंदर भरनी है 11 बार, यानी कि 11 बार आपको पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर डीप ब्रीदिंग के थ्रू भरनी है और खाली कर रहे हैं अंदर जो कुछ भी आपके भरा हुआ है, यानी कि एक एम्प्टीनेस आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, खालीपन आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो जो खालीपन है ना, वही आपको जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है, वो उस खालीपन में, उस खाली जगह में जा कर के प्लांट हो जाएगी और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। जैसे कि 11 बार डीप ब्रीदिंग आपने की, अपने जो सांस है, आपने अपनी सांस को इनहेल किया, आपका एकदम जो लंग्स है वो ऑक्सीजन से भर जाना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक एनर्जी आपने अपने अंदर भर ली। जब आप ये करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपके अंदर से सब कुछ निकल गया, अब आपके अंदर कुछ भी नहीं है,
कोई आपके अंदर नकारात्मक थॉट नहीं है, इनफैक्ट कोई थॉट है ही नहीं, एक भी विचार आपके अंदर नहीं है। अभी इस वक्त क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या होने वाला है, क्या उथल पुथल है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, कल क्या हुआ था, ऑफिस में क्या हुआ था, घर में क्या हुआ था, किसी ने क्या बोल दिया था, आपके जो मस्तिष्क है उसमें क्या क्या थॉट्स आप ले करके सोए थे, इस वक्त वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए। खाली, यही खालीपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आपका ये जो अंदर जो ग्राउंड है, जितना ज़्यादा खाली होगा, आप अपनी इच्छा को प्लांट उतनी ही ज़्यादा आसानी से अपने अंदर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 11 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लोली डीप ब्रीदिंग, एंड स्लोली आपको अपनी सांसों को एक्सहेल करके बाहर निकालना है, और फिर स्लोली आपको सांस डीप ब्रीदिंग से अपने अंदर इनहेल करनी है। ये प्रक्रिया आपको 11 बार करनी है। इसके बाद आपको आराम से रिलैक्स हो जाना है और नॉर्मल सांस लेना है। कुछ मिनट तक आप नॉर्मल सांस लेंगे, ध्यान देना है, बस कुछ मिनट तक आँख बंद करिए और अपने नॉस्ट्रिल पर, अपनी नाखूनों के ऊपर है ना, पूरा ध्यान लेकर के जाइए और बस देखिए कि आपकी जो सांस है वो नॉर्मली कैसी चल रही है। ये आपको वर्तमान में रहने में मदद करता है। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई डीप ब्रीदिंग इस समय नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल आपको सांस लेना है और केवल अपने नॉस्ट्रिल्स पर आपको अपना ध्यान ले जाना है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, आपकी सांस कैसे चलती है। जब आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग छोड़ देनी है, अपनी नेचुरल सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। नेचुरली आपकी सांस कैसी चल रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेचुरली आपकी सांस कैसी चल रही है, बस ध्यान लगाना है उसके बारे में, ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान लगाना है। यहाँ पर अपना पूरा जो ध्यान है आपको केंद्रित रखना है। जब आपके 2-3 मिनट 4 मिनट इस तरह से ध्यान करते हुए जब हो जाएंगे, तब आप अपनी इच्छा को या अपनी एफर्मेशंस को बोलना शुरू करिए। वर्तमान में रहते हुए, प्रेजेंट टेंस में रहते हुए आपको अपनी इच्छा बोलनी है और ये सोचना है कि वो इच्छा, वो आपका काम पूरा हो गया है। मैं पूरे ब्रह्मांड को, सकारात्मक जो ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको, अपनी अंतरात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि ये काम मेरा पूरा हो गया। थैंक यू, ये हो गया। ये ऐसे मिनिमम आपको 11 बार अपनी इच्छा को एफर्मेशंस के रूप में बार बार रिपीट करना है। आप 11 बार से ज़्यादा भी रिपीट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप डीप ब्रीदिंग भी कम से कम 11 बार ज़रूर करिएगा, उससे ज़्यादा अगर आपका मन करता है तो बिल्कुल करिए। उसके बाद आपको नेचुरल जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है उसके ऊपर सिर्फ अपने आप को, ध्यान को केंद्रित करना है। आपको बस प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में रहते हुए अपने आप को लेकर के आना है। कुछ मिनट्स करने के बाद में आपको 11 बार कम से कम अपनी एक बड़ी इच्छा को रिपीट करना है 11 बार। तो सबसे जो बड़ी वाली आपकी इच्छा है इस दिन, आप ज़रूर उस इच्छा को बोलिएगा, ठीक है। रिपीट करने के बाद में आपको अनुभव करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। इसके बाद आपको 11 बार ही अपनी इस इच्छा को लिखना है। 11 बार उस इच्छा को आपने जो रिपीट की अभी मन में अभी अभी, उसके बाद आपको इसको लिखना है 11 बार। एक धन्यवाद देने के तरीके से, ग्रैटिट्यूड के तरीके से आपको ये लिखना है कि थैंक यू सो मच ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ईश्वर कि ये इच्छा मेरी पूरी हो गई। मैं पूरे ब्रह्मांड को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। इस तरीके से आपको इस इच्छा को लिख करके भी 11 बार इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चे मन से कृतज्ञ होने का एहसास अपने अंदर ले करके आना है कि आप कितने कृतज्ञ हैं कि आपने जो बोला, आपने जो लिखा और आज आपने ये अपने अंदर ये जो बीज बोया है ये पूरा हो चुका है।
यानी कि कृतज्ञता अभी से ही इस चीज़ को अनुभव करना है और बस यहाँ से उठ जाना है। आराम से उठ जाइए और अपना पूरा दिन, पूरा समय, आने वाले हफ्ते, आने वाले दिन एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप निकाल लीजिए। आप देखिएगा आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। बस कुछ भी आप अपने अंदर डाउट्स मत लाइएगा, कोई भी नकारात्मक सोच या नकारात्मक ऊर्जा अपने आप को नकारात्मकता की तरफ मत लेकर के जाइएगा। उस चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा। आपने इस दिन 11:11 के दिन 11:11 पर 11 बार अपनी इच्छा बोलकर, 11 बार अपनी इच्छा लिखकर, बकायदा ध्यान लगा करके आपने यूनिवर्स को वो अपनी इच्छा सौंप दी। अब यूनिवर्स वो इच्छा आपको पलट करके ज़रूर देगा। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर 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 पूरी हो जाएगी। बस उसको पकड़ करके मत रखिएगा, उसके साथ नेगेटिव मत हो जाइएगा। इतने शक्तिशाली दिन का आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा, इस शक्तिशाली समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा। वहीं के वहीं आप अपनी इच्छा को बोलकर, लिखकर इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिएगा। आप उसको लेट गो कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। बीच में अगर वो चीज़ माइंड में आ भी जाती है तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा दे करके आपको फिर से छोड़ देना है। आप विश्वास करिए, आप बहुत तेज़ी से अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो 11:11 के इस पोर्टल का 11:11 पे आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, चाहे दिन के 11:11 हो या शाम के 11:11 हो, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए अपनी आँखों से ज़रूर देखिएगा और जीवन में सफलता के नए आयामों को प्राप्त करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।